ये सारे कबूतर जो जालदार ये पुराना नस्ल मेरा पास चलता है और मेरा ज्यादा शौक यही कबूतर हम सबसे कबूतर नस्लों में कबूतर हम प्यार करते हैं ये जालदार कसूरी कबूतर वेलकम टू अजमान पिजन करा मैं आपका होस्ट आपका दोस्त आरव एक नए वीडियो के साथ दोस्तों हाजिर हूँ जी दोस्तों तुम्हारे उस्ताद अली शाहबान के यहाँ उस्ताद जी सलाम वालेकुम हर भाई आपको बहुत तंग करते हैं हम लोग नहीं वेलकम एनी टाइम क्योंकि शौक के हवाले से हम बात करते हैं शौक में लाजम आदमी जाना आना कर पर शौक नहीं होता है हम अकेला रहेगा तो नहीं होता है सही से जिस तरह से हम लोग पहले वीडियो बनाए थे कमंगर गोटनों का कसूर के कबूतर है माशाल्लाह और आज हमारे हाथ में कसूरी जो कसूर के नाम से है कसूरी कबूतर ठीक है ना तो इनके हवाले से बता दें कि माशाल्लाह वो भी कसूर के ये भी कसूर के बात करें इनके हवाले से ये कबूतर कसूरी भाई 3-4 किस्म होते हैं जो लाल आंख होता है वो कसूर का कबूतर होता है कोई भी लाल आंख कोई लाल आंख गोल्डन कमागर दबवाला ये जालदार कसूरी ये होता है कसूर का कबूतर ये जो आम बात मालूम है जो हम सुन के हाँ जो सुन के पुराना बात यही है जी अभी तक और बात होएगा अभी तो कबूतर तो पूरा पाकिस्तान में पूरा होता है हर शक्ल मिलता है जो कौन सा शक्ल चाहिए किधर भी मिलेगा कसूर में लाहौर में सियालकोट में पिंडी में किधर भी कौन सा शक्ल चाहिए वो मिलेगा बस जो बोलता है जो नस्ल असली कबूतर जो लाल आंख है कसूर का कबूतर कसूर के कबूतर जिस तरह जी शौक करा है माशाल्लाह ये कसूरी कबूतर है उस्ताद अली शाहबान वाले माशाल्लाह शौक करें दोस्तों तो आपको शौक दिखा रहे हैं कसूरी कबूतरों का इनकी आंखें देखें इनके कलर देखें जो कसूरी कबूतर कैसे होते हैं माशाल्लाह शौक करें ये पल्ला है इसका माशाल्लाह नायाब कबूतरों का शौक कर रहे हैं जो अच्छे हालत में और बहुत कम लोगों ने रखे हुए हैं जो प्योरिटी में और जो आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह शौक करें दोस्तों इसका भी शौक कराए सर जी ये देखना भाई शौक करें दोस्तों ये भी कसूरी कबूतर है इसकी आँख देखें और इसका सजी पल्ला भी दिखा दें ये उस्ताद जी नए शौकीनों के लिए ताकि उनको पता चले कि कसूरी कबूतर कैसे होते हैं गोल्डन कमंगर ताकि उनको भी इल्म में हो कि किस हिसाब से कबूतर होते हैं ब्यूटी की हालत में आंख एक बार फिर से दिखाए सर जी आंख का शौक है सर जी ये आंख है इसको भाई शौक करे दोस्तों ये भाई लोग ये सारे कबूतर जो जालदार ये पुराना नस्ल मेरा पास चलता है और मेरा ज्यादा शौक यही कबूतर हम सबसे कबूतर नस्लों में कबूतर हम प्यार करते हैं ये जालदार कसूरी कबूतर उस्ताद के बहुत पुराना ब्रीडर कबूतर है माशाल्लाह उससे बना रहे हैं माशाल्लाह ये दुबई मिलेनियम के नाम से भी मिलेनियम के नाम से भी है ना उसमें है नस्ल क्यों वो दुबई मिलेनियम एक गोरा था हम पहले भी बोला शेख मोहम्मद का गोरा था वर्ल्ड कप में फर्स्ट नंबर आया उस टाइम में वो गोरा काला गोरा था उसको शक्ल गोरा कर काला था इसलिए ये कबूतर आम नाम रखा वही नस्ल का वही नाम का गोरा का दुबई मिलेनियम दुबई मिलेनियम वही शौक करे जी दोस्तों एक और ब्रीडर है माशाल्लाह साथ के आते हैं जी उस्ताद जी ये मादी है मेरे खास ये मादी है कबूतरी मादी है आराम आदि ये इसको शक्ल है आंख भी देखना उसका थोड़ा आंखों में भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है कबूतर जितना उम्र देता है वो कबूतर आंख में फर्क होता है थोड़ा थोड़ा अभी आदमी जब जवान है जब बुढ़ा होता है वही आंखों में भी फर्क होता है कबूतर भी जानवर भी ऐसे है इसका पल्ले भी दिखा है सर जी माशाल्लाह शौक करें दोस्तों आपको नायाब कबूतर दिखा रहे हैं कसूरी कबूतर माशाल्लाह देखिए जो अपने असल हालत में
कसूर के कबूतर हैं और उसके नाम भी कसूरी हैं, लाल आंख में आते हैं माशाल्लाह। ये मेल और फीमेल आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, शौक करें मेल की आँख देखें और फीमेल के वो मद्रास का उधर है, मादी थोड़ा जवान है माशाल्लाह। जी दोस्तों ये आपको दिखा रहे थे माशाल्लाह कसूर के कबूतर। उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, तुम आ गया मेरा घर से। जी जी इंशाल्लाह मज़ीद और शौक कराएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, आपको जब भी आएंगे उस्ताद के पास तो अच्छे नया कबूतर दिखाएंगे। तो जाते जाते यही कहेंगे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी किया करें। अस्सलाम वालेकुम।